यह देखिए, आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ ज्ञान मुद्रा। अपने हाथों को इस तरह से कर लीजिए, सीधे हाथ है मेरे, और अपनी जो ये वाले फिंगर है इंडेक्स और ये जो थंब है इसको मिला लीजिए, तो यह ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और यह ज्ञान मुद्रा आपने देखा होगा, हर देवी देवता, हर हिंदू देवी देवता, हर धर्म के मतलब फकीर वकीर सब लोग इस मुद्रा को करते हैं। आप गौर से देखिएगा, वाहे गुरु जी, गुरु नानक देव जी भी इस मुद्रा में विलीन रहते थे, महात्मा बुद्ध भी इस मुद्रा में विलीन रहते थे। यह ज्ञान की मुद्रा है, यह आपके अंदर ज्ञान का प्रचार प्रसार करती है और आपकी बुद्धि को एकाग्रता, असीम एकाग्रता प्रदान करती है। इस मुद्रा को आप 15 मिनट कीजिए, कम से कम 10-15 मिनट पूरे दिन में, और जब आप देखेंगे ये जब दोनों टिप्स मिलेगी, दोनों टिप्स जल्दी से सबकी नहीं मिलती और उंगलियां भी सीधी नहीं होती। मेरी उंगलियां सीधी इसलिए हैं क्योंकि मुझे वर्षों का अभ्यास है, मुझे सालों का अभ्यास है। यह मुद्रा आपको चिंताओं से, डिप्रेशन से, और जिन लोगों को नींद नहीं आती है सही, उसमें आपकी जो नींद है, आपकी जो स्लीपिंग है, उसको बैलेंस करेगी। और सबसे मेन काम, ये आपकी बुद्धि को इतना तीव्र बना देगी, आपकी जो स्मरण शक्ति है उसको बहुत ज़्यादा तीव्र बना देगी। क्योंकि इस मुद्रा का प्रयोग जब मैंने किया था, जब मैं शायद 14-15 साल की थी, तभी मैंने सीखा था, और इस मुद्रा के प्रयोग से मैंने पूरे साल भर के सिलेबस को 6 महीने में ही कंप्लीट कर लिया था। वैसे ये बात अलग है कि परमेश्वर ने मुझे थोड़ी तीव्र बुद्धि और कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही दिया है, लेकिन इससे मेरे कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ही बूस्ट हो गया था। आजकल मैं इसका रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करती, जब भी मैं स्टडी करती हूँ तो उसका यूज़ करती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है शिक्षकों के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगी आपकी स्टडी में। मेरे प्यारे प्यारे जो बहन भाई हैं जो स्टडी करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत मुद्रा है ये। 15 मिनट प्रयास करें रोज़ इसका, चाहे टीवी देखें चाहे बोले, लेकिन इस मुद्रा में रहें हमेशा, दोनों हाथों में मुद्रा करें। आप देखेंगे 15 मिनट बाद इसमें जैसे लगेगा अग्नि सी जल रही है। हमारे पंच तत्व, 5 शरीर होते हैं, ये सत्य है। आप लोग इस बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ और मैंने इसका अनुभव किया है। इस मुद्रा को कीजिए 1 महीना और मुझे बताइए कि आपकी जो स्टडी है, आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, आपका जो डिप्रेशन है, जो नींद नहीं आ रही आपको, उसमें कितना लाभ हुआ। मुझे मालूम है आपको पक्का ज़रूर लाभ होगा। जब भी मैं अपने छोटे छोटे स्टूडेंट्स जो थे मेरे, छोटी क्लास के भी और बड़ी क्लास के भी, जो बच्चे इस मुद्रा को ग्रहण करते थे, वो सच में डफर से बहुत आगे बढ़ गए थे। तो मेरी इस बात और मेरी इस ज्ञान मुद्रा को फॉलो कीजिए और मुझे बताइए। मुझे मालूम है सच में ये आपके जीवन को सुधारेगी, लाभ देगी आपको। और मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को जिनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल, एकाग्रता वीक है, जिनको याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनकी लर्निंग पावर भी बहुत इससे बढ़ जाएगी। यह है ज्ञान मुद्रा, इसी तरह से करनी है आपको 10 से 15 मिनट। 15 मिनट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, दिन में बस 15 मिनट कीजिए। और ये मैंने स्पेशली बनाई है शिवा के लिए, तो शिवा दिस इज़ फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग तत्व होते हैं। ये जो है ये आकाश, आकाश का तत्व है, और ये जो बीच की मुद्रा है ये सूर्य, सूर्य का तत्व है। हमारी 5 उंगलियों में अलग अलग तत्व, पंच तत्व विलीन है। बस इतना ही काफ़ी है, आपको मुद्रा जान लीजिए। तत्वों के बारे में आपको जानकारी मैं बाद में दूंगी। ये मेरी आजमाई हुई मुद्रा है, कोई मैंने यूट्यूब से नहीं सीखी है, कोई मैंने यहाँ वहाँ से नहीं सीखी। एक बुक थी जब मैं 14 ईयर की, तो आध्यात्मिक बुक्स पढ़ती थी, तब मैंने वहाँ से सीखी थी मुद्राओं का ज्ञान, और मैंने इसको आजमाया है सालों से अपने जीवन में, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है और सिर्फ सुना सुनाया ज्ञान नहीं है। तो शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।